लक्सर के खेड़ी खुर्द गांव में मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। बता दे दोनों पक्षों में पहले जमकर लाठी डंडे चले, फिर अंधाधुन गोलियां भी चली। देखो मेरा तो मन ही ऐसा हो रहा, मैं घबरा रहा, मैं तो कुछ बता भी नहीं पानेगा। मेरा तो नौजवान लड़का था, वो इन्होंने परही मार दिया। एक पोता था, दूसरा भतीजा था और होर के भी गोली लग रही। बोला जी दफन करा के आ रहे थे, कुछ ने दो पर मार दिए, कुछ यहाँ पप्पन के घर में ये आदमी हैं थे। कितने लोगों ने लगभग गोली चलाई होगी? गोली लगभग चलाने में ऐसे होंगे, कुछ भी नहीं होंगे। ये हैं अजी, नहीं 25-30 आदमियों से कम नहीं जी। संघर्ष में एक पक्ष के 3 लोगों को गोली लगने से मौत हो गई और 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि दूसरे पक्ष की बात की जाए तो दूसरे पक्ष के भी कई लोग घायल हुए हैं। मैया धो की थी, बीमार चल रही थी, तो उसे सुबह थोड़ी बोल चाल हुई थी, उन्होंने मोटर खोल ले दिया हमारा, तो वहाँ पे हमारा छोटा भाई गया, उसे मार पिटाई भी करी उसके साथ, बोर्ड बाड़ भी तोड़ जाए हमारे जो उसके बिजली का। तो अब जब मैया धोई हुई थी उसे दफनाने के लिए जा रही थी, जाकर जैसे ही उधर से दफना के आ रहे थे तुरंत उसी टाइम ये सब रास्ते में लगे खड़े थे, उन्होंने एक तरफा गोली चलाई। जुल्फुकार उर्फ छोटा, शोकत और लाखा और दिलसाद का लड़का है अबुल, और एक है शोकत का लड़का, शोकत फैजली का एक और लाखा है, ये 7-8-10 जने थे। इन्होंने एक तरफा गोली नाजायज हथियारों से गोली चलाई, एक टायर का आंसू, इन्होंने नाजायज हथियारों से गोली चलाई, कम से कम 10 है। खूनी संघर्ष की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ियों और एम्बुलेंस के माध्यम से तुरंत लक्सर अस्पताल में पहुंचाया गया। लेकिन इस बीच 6 लोगों की हालत चिंताजनक हो जाने के कारण चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया है। आपको बता दें गाँव में भारी तनाव को देखते हुए PSC सहित भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो हमारे पास लगभग 2:30 बजे सूचना मिली थी कि खेड़ी खुर्द गांव में झगड़ा हुआ है, इसमें फायरिंग भी हुआ है, इसमें 2 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हैं, कासपुर का रेफर किया गया है करके। तुरंत हमारा सभी उच्च अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए थे, हम भी पहुंच गए थे। अभी सूचना मिली कि 3 लोगों की इसमें डेथ हो गई, बाकी लोगों घायल का उपचार हो रहा है। अभी जो है इनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इनसे तहरीर लेकर मुद्दा कायम करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सर किस विवाद को लेकर हुआ उसी बारे में हम जाँच कर रहे हैं। सर बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग जो आज सुबह लक्सर कोतवाली गए थे, ये क्या मामला था सर, किस मामले में गए थे कोतवाली के लोग? वो सभी चीज़ का बारे में जो है हम जानकारी ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जैसा सब तो सामने आएगा मैं आपको बताऊँ। इस तरह की और अधिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें।